वेलकम टू माय चैनल एम कारपेंटर्स 02 में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि एक हथौड़ी में या हैमर में बिंडा लगाने का सही तरीका क्या है। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है कारपेंटर भाइयों के लिए, खासतौर पर नए कारपेंटर भाइयों के लिए, क्योंकि आज जो तरीका बताने वाला हूँ मैं बिंडा लगाने का, इस तरीके से आप अपनी हथौड़ी या हैमर में बिंडा लगाते हैं तो आपका ये बिंडा सालों साल चलेगा। आपको बार बार बिंडा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना टूटेगा ना काम करते समय ढीला होगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आमतौर पर बिंडा लोग लगाते कैसे हैं। दोस्तों ये मैंने हथौड़ी ली हुई है, ये देख पा रहे होंगे आप इसकी कितनी तोड़ फोड़ हो चुकी है। इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसमें जो कील लगे हैं, 3 से 4 कील लगाए हैं इसमें, बार बार ये ढीली होती रही और इसमें कील लगाते गए, तो ये बिल्कुल गलत तरीका है। तो अभी इसका माप बताते हैं, 9 इंची का बिंडा लगा हुआ इसमें, तो चलिए खोल के दिखाते हैं कील लगाने की वजह से। तो ये तो टूटना ही था दोस्तों, ये बहुत ही गलत तरीका है बिंडा लगाने का। जैसे कि आपने देखा कि बिंडा खोलते समय ये टूट गया, ये देख पा रहे होंगे 1, 2, 3, 4 से 5 कीली लगे हैं इसमें। तो चलिए मैं इसको खोल के दिखाता हूँ टोटल आपको, ये देख पा रहे होंगे आप इसमें क्या हो गया है, कितनी मतलब बुरी दिशा हुई है बिंडे की, ये बिल्कुल गलत तरीका है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिए और बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे सिलेक्ट कीजिए ताकि हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप पहुंचे, क्योंकि इस चैनल पे मैं आपके लिए वुड वर्किंग से रिलेटेड शॉर्टकट टिप्स और इजी ट्रिक्स हर रोज लाता रहता हूं। और वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कीजिए, हो सके अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जाके एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो चलिए आपका ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों मैंने एक बिंडा ले लिया है, ये देख पा रहे होंगे आप, ये मैंने 13 इंची का लिया हुआ है, मैंने ये एडजस्ट सिर्फ 12 इंची करना है 1 फिट, लेकिन 1 इंच मैंने ज़्यादा रखा है, फिर बाद में इसको काट लेते हैं। तो विड्थ की बात करें इसको 1.5 इंची और ऐसे 1 इंची मैंने रखा हुआ है। ये आपने राउंड बिल्कुल भी नहीं करना है, थोड़ा एक साइड को ज़्यादा रखना है आपने। तो पीछे को मैंने राउंड कर लिया, थोड़ा थोड़ा फिनिशिंग कर ली है, तो आगे मैंने बिल्कुल चोरस रखा हुआ है। तो यहाँ पे हम अब बिंडा इसमें हथौड़ी में लगाने वाले हैं हैम्बर में, तो चलिए इसको थोड़ा सा आगे इसकी छिलाई कर लेते हैं ताकि हमारी हथौड़ी में अच्छे से एडजस्ट हो जाए। तो ये मैंने कुछ इस तरह से थोड़ा इसकी छिलाई कर ली है, तो मैं अब मैं इसमें एडजस्ट करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये मैंने इसमें एडजस्ट कर लिया है। दोस्तों अब यहाँ पे एक समझने वाली बात है, जो सबसे मेन बात है, ये मैंने थोड़ा ज़्यादा निकाला है, ये आपने थोड़ा हथौड़ी के बाहर ज़्यादा निकालना है। तो आपने यहाँ पे अच्छे से समझ लेना है कि यहाँ पे आपने थोड़ी मार्किंग कर लेनी है, फिर हथौड़ी के चारों तरफ नीचे की ओर आपने मार्किंग कर लेनी है। तो चलिए मैं अब इसको वापस से हथौड़ी में से निकाल लेता हूँ बाहर। तो ये मैंने हथौड़ी में से निकाल लिया है, अब यहाँ से आपने मार्किंग कर लेनी नीचे, आप अंदाजे से भी कर सकते हो, लेकिन मैं आपको एक डेमो दिखा रहा हूँ। तो यहाँ जो ये मार्किंग की हुई थी मैंने हथौड़ी के बाहर से, आपने यहाँ से लेके यहाँ तक इसमें कट लगा लेना है, यानी कि इस के बीचों बीच आरी आपने चला लेनी है। कुछ इस तरह से मैंने ये इसमें आरी निकाल ली है। तो अब आपने इस तरह के एक लकड़ी का पीस बना लेना है, लकड़ी का पीस जो है ये सख्त होना चाहिए, और ये बिंडा जिसका आप लगा रहे हो तो ये भी आपका सख्त होना चाहिए, तो तभी आपका बिंडा सालों साल चलेगा। तो आपको ज़रूरत पड़ी ये एल्फी की, तो मैं इस पर एल्फी लगा के, आप फेविकोल का भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन मुझे ये अभी हैमर चाहिए तो मैंने इसमें फ़िलहाल एल्फी लगाऊंगा ताकि ये जल्दी सूख जाए और हमारे हैमर तैयार हो जाए बनके। तो आपने ये जो छोटा पीस बनाया था कुछ इस तरह से इसमें अटका लेना है, और एल्फी या फेविकोल जो है आपने बिल्कुल कसर नहीं रखनी है, अच्छे से इसमें डाल लेना है। तो चलिए मैं अब इसमें जो पीस डाला हुआ है हड्डी बना के, तो इस हड्डी को हम अच्छे से एडजस्ट कर लेते हैं। तो चलिए मैंने ये हड्डी लकड़ी का पीस जो की जो हड्डी बनाई थी मैंने एडजस्ट कर ली है कुछ इस तरह से, आप देख पा रहे होंगे कितना मज़बूत जो बिंडा है इसमें एडजस्ट हो गया है। अब आपने करना क्या है, बुरादा लेना है थोड़ा, इसमें जिस साइड आपको थोड़ा दिखे कि भाई इसमें रह गया है थोड़ा, तो इसमें आपने डाल के एल्फी का इस्तेमाल इसमें कर लेना है। कुछ इस तरह से आपने जहाँ जहाँ इसमें खुला दिखेगा आपको वहाँ पे, मेरा ये थोड़ा साइड में रहा था, मैं जल्दबाजी कर गया तो तभी ये थोड़ा खुला रह गया था, तो वरना आप बिंडा आराम से लगाएं। तो ये मेरा सूख चुका है,
विंडा, इसमें अल्फी सूख चुकी है, तो इसको अब मैं एक बात करता हूँ कि आगे से जो ये है थोड़ा ज़्यादा मैंने निकाला हुआ बाहर, इसमें कटिंग कर लेते हैं। आप चाहो तो इसको बड़ा भी रख सकते हो, लेकिन मैं इसकी कटिंग कर लेता हूँ, आप अपने हिसाब से रख लीजिए जितना आपको बाहर चाहिए। तो चलिए इसकी थोड़ी बहुत फिनिशिंग कर लेते हैं, फिर दिखाते हैं आप। तो ये देखिए दोस्तों कितना मज़बूत विंडा हमारा लग चुका है। दोस्तों ये सालों साल चलेगा अगर इस तरीके से आप हथौड़ी में, हैमर में विंडा, दस्ता या हत्था कुछ भी कहते हो आप, ये लगाते हो तो आपका सालों साल ये चलेगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर किए बगैर जाइएगा मत, और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिए। दोस्तों पिछली वीडियो में हमने एक कारपेंटर टूल बनाया था, बहुत ही हेल्पफुल टूल है कारपेंटर भाइयों के लिए, लिंक लगा होगा स्क्रीन पे, आप इस पे क्लिक करके इस वीडियो को जरूर देखना, और नीचे प्लेलिस्ट लगी है इस पे क्लिक करके मेरी बाकी पुरानी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपके साथ एक नई वीडियो में एक जबरदस्त टॉपिक के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज, बाय बाय।